सच्चाई से झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता, असली चेहरे को छिपाने से नकाब चेहरा नहीं बन जाता। पद्मा, क्या हुआ उर्वशी को? कुछ नहीं, बुखार है बोली। हाँ। कमजोरी जैसा भी है बाबा। हाँ। ताई ने आज भी चाय नाश्ता नहीं किया। कोई का, तू दोपहर छुट्टी के डॉक्टर के पास लेके जा, ठीक है? ठीक है, आधे दिन का पैसा लेके चली जाती हूँ। आज फिर खेत पे नहीं आई तू? मेरी तबीयत सही नहीं है। अच्छा, कल आएगी? मायत नहीं, कैसे भी करके कल मिलना तुझसे, आएगी ना? बोला ना, मायत नहीं। पद्मा, ठीक है, पूरे दिन की दिहाड़ी दे रहा हूँ पद्मा, और बाकी के जो पैसे हैं वो उर्वशी के इलाज के लिए हैं। धन्यवाद भाव। जा जा जा, जल्दी जा, कहीं दवाखाना बंद ना हो जाए। बुखार नहीं है, 3 दिन से ये खाना नहीं खा रही है। कागा उर्वशी, मात नहीं। जुलाब, पेट में कीड़े हो सकते हैं, ये एक गोली रात में खाने के बाद कल शाम तक ठीक लगेगा। माला बंदेर, उर्वशी बेटा, ये ना लोक रे, ये जा वाले। भाकरी भारी लगे तो खिचड़ी बनाई है तेरे लिए। आई, बिल्कुल मन नहीं है। अरे बेटा, लेकिन तेरे को गोली खानी है ना, खाना खाने के बाद। आजा आजा, कुछ जाने का नहीं ना तुझे। तू गब बस बाबा, खा लूंगी थोड़ी देर में। या। ये। पद्मा, ये अपनी आकरोड़ी से अच्छा डॉक्टर वकोरली में है, वहां ले जाओ उर्वशी को, सब बता दे कब से क्या क्या हो रहा है, उर्वशी की तबीयत का कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। उर्वशी करतला बोलव। उर्वशी करत, या तुम्ही बसा ताई, डॉक्टर अकेले में मिलेगी उर्वशी से। अहो माहिती नाही, वो डॉक्टर मानसी ने बोला है कि सिविल हॉस्पिटल में ना वो डॉक्टर नंदिता से मिलना है। का? माहित नहीं, इसे अकेले में बात किया। नहीं कोई नहीं, तू लेके जा उसको सिविल अस्पताल में, और फोन कर माला। हाँ हाँ, बेटा काय विचार लो, क्या पूछे डॉक्टर ने? आई, कितनी बार बोलू, बस तपास ल, अने काय नहीं। मानसी ब्लड और यूरिन रिपोर्ट्स करवाए? हाँ, उसकी रिपोर्ट्स मैंने उसके साथ भेज दी है।
और पेशेंट और उसकी आई को इन्फॉर्म किया है? नहीं, सिर्फ लड़की से बात की अकेले में। तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, तुम्हारे साथ कभी किसी लड़के ने या किसी आदमी ने कुछ किया? घबरू ना कुछ बोल। पेशेंट उर्वशी प्रेग्नेंट है, मैंने उसकी आई को कुछ नहीं बताया, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। 25 से 15 साल की है, पुलिस केस बनता है, और जिस तरह से वो बात कर रही है उसे तो लगता है कि रेप केस है। ओके मानसी, अजिता उर्वशी को चेकअप के लिए लेकर जाओ। डॉक्टर, मेरी बेटी को हुआ क्या है? वो मानसी डॉक्टर ने भी कुछ बताया नहीं। मैं बताऊंगी, उर्वशी जा। जा, सांगते है, जा। पद्मा, तुम्हारी बेटी उर्वशी पेट से है। हाँ, यकीन करना मुश्किल है पर जो है सो है, और तुम्हें बहुत शांति से काम लेना होगा। जो कुछ भी करना है वो सब हम करेंगे, और पुलिस को भी बताना होगा। सिक्स वीक्स का फीटस है। कुछ बोली? रेप। गर्भ के 6 हफ्ते हो चुके हैं, इसीलिए उर्वशी को ये उल्टी और कमजोरी सब हो रही है। अब हम एक भी दिन इंतजार नहीं कर सकते। अपने पति से बात करो, तुरंत गर्भपात करना होगा। क्या बताऊं अपने पति को, किसने किया हमारी बच्ची के साथ ऐसा? उर्वशी ने नाम तो नहीं लिया पर ये जरूर कहा है कि बलात्कार हुआ है। पद्मा, मैं पुलिस में खबर कर रही हूँ। अरे रोना बंद कर और बोल कुछ। वो उर्वशी को पेट में दर्द हो रहा था ना? हाँ बोल। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि सांगना। वो पेट से है, वो डॉक्टर कह रही है कि उर्वशी ने उनको बताया किसी ने जबरदस्ती की है। रना, तू काम खत्म करके घर जा। बाबा, मुझे आने में देर होगी। सेक्टर 1 मध्ये चेन स्नॅचिंग ची घटना घडली आहे। स्नॅचर लाल रंगाचा युनिकॉर्न बाइक वर आहे। बाइक चालव। मीनल, सिविल हॉस्पिटल से फोन आता, किसी बच्ची पर रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट भी है। पात्रे, तुम मीनल के साथ हॉस्पिटल चले जाओ। सर। ए बेटा, कौन था वो? किसने किया बोल। बोलना बेटा। हाँ? कब हुआ ये? हाँ? बोल। इसकी गलती है सब।
करूंगा इसे। मारू टकन दे। चल 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 चल। ये बच्ची का बाबा सुहास करा तभी गांव से आया है, बच्ची पर अटैक करने वाला था। डॉक्टर, प्रेगनेंसी की जो टर्मिनेशन होती है उसका प्रोसीजर तो आप पूरा करेंगी, हमारे लिए रेपिस्ट का नाम जानना बहुत जरूरी है। मैडम, बच्ची ने अपने आई को शायद सब बता दिया है। पेशेंट अभी बात करने की हालत में नहीं है, पर शायद इसने अपनी आई से कुछ कहा है। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। तुमने उस पर हमला करने की कोशिश की? सच में नहीं मारता उसे, मैं गुस्से में था, मुझे मिलने दो मैडम। तुम्हारी बेटी उर्वशी के साथ जबरदस्ती हुई है, रेप हुआ है उसका, और इस वक्त वो बहुत नाजुक हालत में है, तो इस समय उसे सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत है। अब मिल सकता हूं मैडम, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी पत्नी भी साथ में है। सच में मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम जानना है जिसने ये किया। उस आदमी का नाम तुम्हें पता चले या नहीं, तुम करोगे कुछ नहीं, जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे, और अगर तुमने जरा से भी बेवकूफी की तो बहुत महंगी पड़ेगी। नहीं बड़ा, नहीं बड़ा, बाबा है इतना, बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। उर्वशी बोली, उसने पुलिस को बताया कि उसका गुनहगार कौन था, उसके मां बाप का आक्रोश आपे से बाहर होने को था। उर्वशी के रेपिस्ट को पकड़ने के साथ साथ एक बड़ी नाजुक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी सामने आने वाली थी, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। बेटा डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग हैं ना, अभी हिम्मत करो और नाम बता दो उसका। बंटी। बंटी, बंटी कौन बेटा? क्या ये तुम्हारे गांव आकुरवाड़ी से ही है? इसका पूरा नाम क्या है? बंटी कौन? बंटी शिंदे। क्या आप लोग जानते हो इस बंटी शिंदे को? नहीं। दुला महत्या का को? नहीं। साहब, एक दिन ना ये खेत पर नहीं आई थी, इसने कहा कि उस दिन वो घर आया था। बेटा ये कब हुआ था? थोड़ा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। जी एक मिनट। अंदर क्यों आ गए? बहुत प्यास लगी थी ना इसीलिए। ठीक है, अब जाइए। छोड़ो मुझे। अगले दिन भी आया था, बार बार आने लगा, जान से मार दूंगा की धमकी भी दी, बोला अगर किसी को भी बताएगी तो मैं सब को बता दूंगा। तेरा बाप मर गया था ना, एक बार बोल देती, काटने डालता उसको, टुकड़े टुकड़े कर देता उसके। सुहास, बोला था ना शांति बनाए रखो, हम लोग हैं ना यहाँ पर संभालने के लिए। बेटा ये बंटी शिंदे को तुम पहले से जानती हो?
गांव में एक दो बार देखा था आपने? सब हमारा गांव है ना, वो इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते, पर पता नहीं इसे हमें क्यों नहीं बताया। डॉक्टर साहब, हमको केस दर्ज करके पेपर्स आपको फॉरवर्ड कर दी। बरा, हमें उर्वशी के लिए तुरंत काउंसलिंग अरेंज करनी होगी। प्रेगनेंसी को 6 हफ्ते हो चुके हैं, टर्मिनेशन के लिए अब हम ज्यादा नहीं रुक सकते। मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को भी लिख रही हूँ। ओके, अगर ये बंटी शिंदे इसी गांव का है तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये खबर सुनकर कहीं भाग भाग ना जाए। मुश्किल है सर, हॉस्पिटल में ये बात काफी कॉन्फिडेंशियल रही है। और सर, माँ बाप तो बताने से रहे। उठा कर लेकर आओ इस बंटी शिंदे को। बंटी शिंदे, नाम तो सुना सुना सा लग रहा है पर शक्ल याद नहीं आ रही है। आप एक काम करो ना, वो दुकानदार है ना दत्ताराम, उसको पूछिए। बंटी शिंदे मतलब विनोद शिंदे या नारायण शिंदे? हमें इस बंटी शिंदे का असली नाम नहीं मालूम। इस गांव में दो दो बंटी शिंदे हैं क्या? मेरे बचपन का दोस्त है विनोद शिंदे, उसको हम बचपन में बंटी बंटी बोल के पुकारते थे। और दूसरा कौन? दूसरा नारायण शिंदे, वो जो चंदनपुर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता है। विनोद शिंदे कौन है? माजे मिस्टर, 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब से खाट पर ही पड़े हुए हैं। काय जाना साहब। विनोद, तुझे लोग बंटी करके भी बुलाते हैं क्या? बचपन में बुलाते थे, अभी तो कोई नहीं बुलाता साहब, सब विनोद ही बुलाते हैं। आहो, यहाँ दो पुलिस वाले आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। नारायण शिंदे। हाँ बोल रहा हूँ। तुम्हें लोग बंटी शिंदे के नाम से भी जानते हैं? ओ सर, बचपन का नाम है मेरा। अभी के अभी वकोरली पुलिस थाने आ जा। कशल है सर। तो आ तो जा, सब बताएंगे। सर मैं अब ड्यूटी पर हूँ, 4 बजे खत्म होगा। ठीक है, 4 बजे आ जा, लेकिन भागने की कोशिश भी मत करना। मैं क्यों भागूंगा साहब, मैंने किया क्या है? साहब क्या हुआ, कुछ बताइए ना, आप मेरे पति से ऐसे क्यों बात कर रहे थे? आने दो सर, सब पता चल जाएगा। सरकार, बंटी शिंदे मिल गया, लगता यही है वो जिसने कांड किया है। हम खुद अभी दो दो बंटी शिंदे से मिलकर आ रहे हैं। अभी तीसरा बंटी शिंदे कौन है? मैडम, असली नाम सदाशिव शिंदे है, 26 साल का है, मैकेनिक है, 1 साल से अपनी अकुरवाड़ी में रह रहा है, लोग उसे बंटी करके पुकारते हैं। बंटी और सदाशिव शिंदे। हाँ साहब बोला, क्या गाड़ी वाड़ी सर्विसिंग करनी है? नहीं रे, तेरे पुर्जे डिले करने। फॉर्म पर दस्तखत करके आप उर्वशी का गर्भपात करने की हमें मंजूरी देंगे, दोनों का साइन लगेगा। देखिए, मामला वैसे ही बहुत नाजुक है, उर्वशी काफी छोटी है, हम जितना जल्दी करेंगे उतना ही उर्वशी के लिए ठीक रहेगा। गर्भ 6 हफ्ते का हो चुका है। साहब मी उर्वशी करतला नाही ओळखत। आते ही विश्वामित्र वाले भूलने की एक्टिंग शुरू कर दी तूने। कोई बात नहीं, मेरे पास ना एक जादू की छड़ी है, ये तुझ पर घुमाऊंगा ना, सारी उर्वशियां याद आ जाएगी तुझे। पास के गांव से भेड़िए की तरह यहाँ आता है और यहाँ की बच्चों पर झपट्टा है। कहाँ से आई है? अंबर गांव। साहब सिर्फ 1 साल पहले मैं अंबर गांव से यहाँ अकुरवाड़ी आया। क्यों,
यहाँ ऐसा क्या है? बाप की दुकान पर नहीं बैठना था साहब, उसकी किराना माल की दुकान है, मुझे मैकेनिक में इंटरेस्ट है, अच्छा करता हूँ ना काम साहब, और यहाँ पे हाईवे पास में काम की कमी नहीं होगी इसलिए यहाँ पे आया। लेकिन आई शप्पल किसी उर्वशी को नहीं जानता मैं सर। इतना संत आदमी हमारे कस्टडी में है, इसकी जम के खातिरदारी करना, फिर इसके बाप को भी बुला लेना अंबर गांव से, फिर देखते हैं संत बंटी महाराज उनके सामने क्या प्रवचन देते हैं। ओ साहिब मारो का रेप? कौन सा रेप मैडम, किसका? उर्वशी करात 15 साल की है, आकुरवाड़ी की रहने वाली, उसे कहना है रेपिस्ट का नाम बंटी शिंदे है। ओ मैडम कायदरी का है, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए एकदम साफ है, किसी भाई के साथ कभी कोई बदतमीजी की नहीं मैंने, और आप कह रही है, मैं खुद एक बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मैडम ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? एक बच्ची के साथ 2 महीने तक डरा धमका कर जबरदस्ती करते आए हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? 2 महीने? मैं सिर्फ 15 दिन पहले पुणे से लौटा हूँ, हेड ऑफिस में काम था। क्या काम था हेड ऑफिस में? मैं पहले पुणे में ही काम करता था, उसके बाद वाकुरली में मेरा ट्रांसफर हुआ, तो पहले के कुछ पेंडिंग फाइल्स थे वहां पर, रजिस्ट्रार साहब बोले कि वही पुणे में आकर क्लियर कर दो, सरकारी काम है आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं 2 महीने पुणे में ही था, लोग बंटी कह के बुलाते हैं मुझे, बंटी नाम होने से आप तो मेरा बेटा सदाशिव है अकड़ू, जिद्दी है, पर किसी भी हालत में ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। ये आपको किसी ज्योतिषी ने लिख के दिया या आपके बेटे ने आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है साहब, मैंने मेरी सारी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है, बच्चों को बचपने से ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा सदाशिव ऐसी गंदी हरकत कर ही नहीं सकता। कौन ऐसी हरकत कर सकता और कौन नहीं कर सकता ये हम भी नहीं बता सकते, इस वक्त आपका बेटा सदाशिव हमारा संदिग्ध है और हम लोग उसे सच निकलवा कर ही रहेंगे। मैम हम रूल बुक के परे पूरी सेंसिटिविटी के साथ सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने। लड़की सिर्फ 15 साल की है, गरीब ग्रामीण परिवार की है, उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो कई लेवल्स पर कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अनिता जी मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक सोशल वर्कर हैं, क्या मैं मेरा काम कैसे करूँ ये आप मुझे सिखाएंगे? लेकिन लड़की तो कल एडमिट हुई है ना, प्रोसीजर्स अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? पुलिस ने फीटस के टिश्यूज डीएनए टेस्टिंग के लिए प्रिजर्व करने कहा है, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स से लेटर का इंतजार कर रहे हैं, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, हालात कितने गंभीर हैं और हो सकते हैं इसका मुझे अंदाजा है, पर ये क्रिमिनल केस है, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, आपको तो ये सब पता होना चाहिए ना। इस वक्त मुझे सिर्फ इतना पता है कि सिस्टम के चक्कर में एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, बस। सुहास भाऊ पद्मा मेरी डॉक्टर से बात हुई है, अब सब सही होगा, वक्त पे होगा और बिना किसी रुकावट के। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, मैं और शिपा यहाँ सिर्फ आपकी मदद के लिए, और ये मदद कोई मेहरबानी नहीं, हक है आपका। अनिता ताई एक मिनट अकेले में बात हो सकती है? सर हेडक्वार्टर से एसपी सर का लेटर आया है डीएनए के लिए फीटस के टिश्यूज प्रिजर्व करने के लिए। गुड, अब उर्वशी को तीनों बंटी शिंदे के फोटोज दिखाते हैं, विनोद शिंदे, नारायण शिंदे और सदाशिव शिंदे। सर ये विनोद शिंदे पिछले 4 महीनों से अपने घर के बाहर नहीं गया, इसे हम रूल आउट कर सकते हैं। और सर ये नारायण शिंदे, इसके पुणे हेड ऑफिस में मैंने इंक्वायरी की, अभी 15 दिन पहले ही वो लौटा है, इसके पहले पुणे में वो 2 महीने पोस्टिंग पे था। उर्वशी की प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की है, लगभग 1.5 महीने पहले की बात, 2 महीने से कम। मतलब बचाइए सदाशिव शिंदे। उर्वशी को फोटो दिखा दे, देखते हैं क्या बोलती है वो। बेटा उर्वशी ये तुम्हारे गांव के 3 लोग हैं जिन्हें आसपास के लोग बंटी के नाम से जानते हैं, इनके असली नाम है नारायण शिंदे, विनोद शिंदे और सदाशिव शिंदे। क्या गांव में और भी कोई बंटी है? बेटा घाबरू नको,
बताओ वो बंटी कौन है जो तुम्हारे घर पर आया था और तुम्हारे साथ इतना गलत किया? सुहास और पद्मा, यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है? सर, मैं अनिता कांबड़े सोशल वर्कर हूँ और हमारा एनजीओ है। कल से मैं उर्वशी और उसके परिवार की मदद कर रही हूँ। बोला, दोन मिनट बाहर जाऊ सकते हो, बात करनी है। काय चल रही था, वो क्या रहा है यहाँ? सर दरअसल उर्वशी के आई बाबा से एक गलती हुई है। जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे वो जानना है। एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन कल सुहास बाबू ने मुझे अकेले में बताया। अनिता ताई, एक मिनट अकेले में बात हो सकती है? अनिता ताई, मैं थोड़ा परेशानी में हूँ। साफ साफ बोलो, बात क्या है? उर्वशी ने जो नाम बोला था ना। हाँ। बंटी शिंदे को उसने ऐसे ही बोल दिया था। मतलब? मतलब मैंने उसे बोला था कि कोई नाम ले ले, तो उसने ये मनगढ़ंत नाम ले लिया। क्या कारण है उसके पास? सुहास को घसीट कर लेकर आओ यहाँ। सर आप नाराज मत होइए। नाराज? उसकी तो मैं खाल उधेड़ने वाला हूँ। उसकी वजह से गांव के तीन बंटी शिंदे को हमने उठाया है। एक जेल में रो रहा है, दूसरा रोज पुलिस स्टेशन की हाजिरी लगा रहा है, तीसरा बिस्तर पर है, फिर भी हमारे सस्पेक्ट लिस्ट पर है। सर सुहास, काय नाटक चल रहे है? मुझे लगता है तू भी शामिल है इसमें। अब मुंह खोलेगा कि यही तोड़ना शुरू करो। वो इज्जत बचाने के लिए हमसे गलती हो गई सर। तेरी वजह से गांव में तीन तीन बंटी शिंदे की इज्जत उछाली गई है, उसका क्या? सर एकदा ऐकूंगी ना, उसने ऐसे क्यों किया? उसने बंटी शिंदे का मनगढ़ंत नाम क्यों लिया? मनगढ़ंत? गांव में हमें इस नाम के तीन तीन लोग मिले हैं। तुझ पर सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का चार्ज नहीं लगाऊंगा, तीन लोगों के मानहानि का चार्ज भी तुझ पर ही लगाऊंगा। विश्वास ठाकुर साहब मजार, मुझे मालूम नहीं था हमारे गांव में इस नाम का कोई आदमी है, तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया तो बोल दिया, मनगढ़ंत बोल दिया सर। सर एकदा ऐकून तर गया, उसने ऐसा क्यों बोला? सुहास भाऊ लवकर बोला। अब बोल। बता बेटा, नाम बता, कौन था वो? नाम बता, हाँ बता। उर्वशी कुछ बोली? किसने किया? बोली कौन? तेरी बीवी को पता था, तुझे पता था, और तुम दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची को झूठ बोलने पर मजबूर किया। ये नाम हम कभी नहीं ले सकते, हम कहीं के नहीं रहेंगे, गांव में सब थू-थू करेंगे। हा? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, पुलिस तो नाम पूछेगी। गड्ढे में गई पुलिस, पुलिस बच्चा गिरवा देते और गांव निकल चलते, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बोलेंगे तबीयत खराब थी। कुछ भी हो जाए पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। तो बोल देना किसी बंटी ने किया है। हाँ। लेकिन पुलिस तो पूछेगी ना, बंटी कौन है, तो क्या बोलेंगे? बोला बंटी 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 शिंदे ने किया है, एक दो बार गांव में देखा था, अचानक घर पे आ गया पानी मांगने, पुलिस ढूंढते घूमेगी, लेकिन दरअसल में बंटी शिंदे है ही नहीं ना, तो मिलेगा नहीं। हाँ? तो केस बंद हो जाएगा और हम भी जोर नहीं देंगे। उर्वशी कुछ भी हो जाए, घर की इज्जत का सवाल है, असली नाम तू जबान पे कभी नहीं लाना। हा? सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। हेलो मैडम, ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल, और आप मुझे समझने के लिए बोल रही है? सर नाम लेते ही हम कहीं के नहीं रहेंगे सर, इज्जत सिर्फ उछली नहीं उछल भी जाएगी। पाया पड़ता सर, पाया पड़ता सर, तुम चल नाम लेने के लिए मजबूर मत कीजिए सर। सर प्लीज आपको तो पता है गांव में कैसा माहौल होता है, पूरा गांव इस पर गुस्सा हो जाएगा।
कहीं का नहीं रहेगा बेचारा, इसलिए झूठ बोला। वो तो मैंने आपको सच बताया, इसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, विश्वास नहीं होता कि माँ बाप मिलकर बच्ची के साथ ऐसा सब कुछ कर रहे जबकि तुम्हारी अपनी बेटी इतना सब कुछ भुगत रही है। तुझ पर भरोसा नहीं कर सकता, अब उर्वशी से मैं खुद बात करूंगा। उर्वशी बेटा देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, पर उसकी सजा हम किसी निर्दोष को तो नहीं दे सकते ना, बराबर ना? देखो घाबरू नको, सच सच बता दे तुम्हारे साथ जबरदस्ती किसने की? समीर। समीर, पूर्णा नाव का है? समीर शेख। इसीलिए तो माँ बाप डरे हुए थे, लड़का मुस्लिम बिरादरी का है और गांव में किसी को भनक तक नहीं लगी। इस समीर कौन है और इस वक्त कहाँ है? आप सब लोग एक ही खेत में मजदूरी करते हैं? हाँ, हमिद बहू, हमिद मिर्जा के खेत में। उर्वशी, सच सच बताओ, ये सब कुछ तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ था? उर्वशी, वो मुझसे अच्छे से बात करता था, आणि मी पण। एक दिन वो बोला देवी तलाव के पीछे खंडर परा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे, और मैं चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। काय करतो रे समीर, नको कर, नको कर ना समीर। चुप। उर्वशी, मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसा कर, नहीं तो मैं सारे फोटो वीडियो तेरे बाबा को भेज दूंगा, और तेरा बाबा वो तो तेरे को मार ही डालेगा। खलास, मरना है तेरे को? नहीं ना, तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर, थोड़ा टाइम पास कर मेरे साथ, तेरे को ही मजा आएगा। उर्वशी, वो हर दूसरे दिन मुझे वहां बुलाता, और मैं अगर उसे मना करती तो धमकी देता था। अभी एक हफ्ते में खेत पे नहीं गई तो हर दूसरे दिन मुझे फोन करता था। मैंने उसे बोला कि माँ जी तबीयत बरोबर नहीं, तो बोला फिर भी आ। मेरी तबीयत सही नहीं है। कैसे भी करके आ, कल मिलना है तुझसे। इस समीर का नंबर है तुम्हारे पास? सब उसे सजा दीजिए सर, पर हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को बाहर मत आने देना, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अपनी बदनामी का छोड़ो और अपनी बेटी के बारे में सोचो, सिर्फ बेटी के बारे में। विनल, सबसे पहले सदाशिव शिंदे को रिलीज करो, और नारायण शिंदे से कहना कि पुलिस स्टेशन में आके हाजिरी देने की जरूरत नहीं है। उन दोनों का इस केस से कोई लेना देना नहीं था, बेवजह हम लोगों ने परेशान किया उन्हें। सर, समीर शेख का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। सबसे पहले हम उस लड़की का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मैं एसपी साहब से बात करूंगा। मुझे और एक इनोसेंट आदमी को अंदर नहीं करना है, इस फैमिली का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कोई नई काल्पनिक कहानी बना रहे हैं। चिंता मत करो, पुलिस अब सब संभाल लेगी। ताई, वो आपने बोला था ना अबॉर्शन के लिए? हाँ सुहास भाव, जरा चलकर डॉक्टर नंदिता से मिलाते, पूछते तैयारी कहां तक आई। बंडी, घर पे जा, तेरे पे कोई केस नहीं बन रहे। राम साहब, मैडम सलाम। अमित मिर्जा। हाँ अमित। ये सारे खेत तुम्हारे? हाँ।
बोला ना क्या चले? तमीर शेख तुम्हारे खेतों में मजदूरी करता है? ओ, लेकिन आया नहीं वो आज। हमीद समीर शेख रहता कहाँ है? कासीमवाड़ी, चलाओगे उस पर। काय झालो अहमद भाऊ? काय झालो गुणास ठोकरे? अपने समीर का पता लेके गए? एक बात बोलो भाऊ, कुछ तो लफड़ा हुआ है। क्या हुआ है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या माजरा है। अपने सुहास और पद्मा की बेटी नहीं क्या उर्वशी? ठीक है ना, वो शहर में अस्पताल में भर्ती है और यहाँ गांव में पुलिस किसी बंटी शिंदे को ढूंढ रही है। अरे बच्ची की बीमारी और बंटी शिंदे से क्या डालो? वही ना भाऊ। हाँ जगताप, तुमने सही सोचा है। मैं एडिशनल मैजिस्ट्रेट से बात करता हूँ, माइनर की ऑन कैमरा स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट डालता हूँ, क्लियर हो जाएगी। ओके सर। और हाँ सुनो, हमें दो कम्युनिटीज के बीच में कोई टेंशन नहीं चाहिए। रात की बीट्स बढ़ा दो, खबरियों को छोड़ दो गाँव में, और इंश्योर करो कि ये मामला मीडिया के लिए मसाला ना बन जाए। समझ लो सर। कुटे के लिए माहित नहीं साहब। पड़ोसी हैं, कुछ तो बता होगा। नहीं सब, इतना ही मालूम है कि 3 दिन पहले समीर, उसकी अम्मी वाजिदा और उसके अब्बू नसीर भाई किधर तो गए। अरे वाजिदा बहन, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, लौट आएंगे कुछ दिन में। ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह। पर काय झालं साहब, अब समीर को क्यों ढूंढ रहे हैं? है कोई काम, जैसे वो आता है लौट के हमें तुरंत खबर करना। सही, समीर शेख एंड फैमिली 3 दिन से बाहर गए हैं, सर कुछ गड़बड़ लगता है। गड़बड़ तो ये सारा केस लग रहा है मीनल। अब देखो ना, आखिर हमें पता ही क्या है, एक मर्डर लड़की प्रेग्नेंट है। उसके अलावा क्या सच है क्या झूठ हम कुछ नहीं जानते। इस लड़की का रेप हुआ भी है या नहीं, कि समीर शेख रेपिस्ट है भी या नहीं, और ऊपर से बंटी शिंदे को लेकर की गई मेहनत, और बदनाम होते हैं वो तीनों। सर हम एक बार झूठ झेल चुके हैं, उम्मीद है इस बार सच सामने आएगा। अब देखते हैं कि कल ये लड़की ऑन कैमरा क्या स्टेटमेंट देती है। ब्रेकिंग न्यूज मध्ये आता पहा की आकुरवाड़ी गाँव की एक 15 साल की बच्ची वाकुरली सिविल हॉस्पिटल में एडमिट की गई है। खबरें आ रही है कि कुछ हफ्तों पहले बच्ची के साथ भयंकर रेप हुआ था, और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब गर्भपात कराने का फैसला इस वक्त एक रिश्वतखोरी के दलदल में फंसा हुआ है। यस, क्या हुआ? टीवी लगाइए मैडम, लोकल न्यूज वाले न जाने क्या क्या दिखा रहे हैं। तहकीकात करने वाली पुलिस टीम और हॉस्पिटल के अधिकारियों ने विक्टिम का अबॉर्शन करने के लिए उसके पेरेंट्स से घूस मांगी है। क्या पीड़ित और उसके माँ बाप जो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, उनको ये जिल्लत भी झेलना जरूरी है? नहीं सर, नॉट एट ऑल, टोटली बेसलेस और वाहियत इल्जाम है ये। असलियत क्या है ये जानने के लिए ना ही किसी का फोन आया था, ना ही मैसेज, ना मुझे ना मेरी टीम को। लेकिन मामला अगर हाथ से बाहर गया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इस हॉस्पिटल में कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है क्या और पुलिस को उसमें घसीटा जा रहा है? देखता हूँ सर। वैसे हमारी तरफ से फीटस के टिश्यूज DNA टेस्ट के लिए प्रिजर्व करने का लेटर हॉस्पिटल को जा चुका है। डॉक्टर नंदिता ने ऑब्जर्वेशन की पूरी तैयारी भी की है। अब इन सब के बीच ये न्यूज रिपोर्टर कैसे और कहाँ से आई मुझे नहीं पता सर। लेकिन पुलिस को बेकार में कॉन्ट्रोवर्सी का पार्ट बना रहे। जगताप, तुम इसकी तह तक जाओ और मुझे अपडेट्स देते रहना। हमने अस्पताल के बाहर एक कदम भी नहीं रखा मैडम, और हम खुद की बदनामी खुद क्यों करवाएंगे? देवा, अब हमारी उर्वशी की बात पूरे गांव में फैल जाएगी। काहीच कळत नाही, और अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए, हम गर्भपात परसों करवाएंगे ताकि हमें एक दिन और मिले बच्ची को इस बात के लिए तैयार करने के लिए। आता कसली तैयारी मैडम? इसके लिए खास लोग आते हैं, काउंसलर्स, जिन्हें मैंने बुलाया है। वो बच्ची से बात करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसका डर दूर करेंगे। इंस्पेक्टर, मैं भी उतनी ही शॉक्ड हूँ जितने की आप हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर मुझे फोन कर चुके हैं, मुझसे सफाई मांगी जा रही है। पर डॉक्टर नंदिता, हमारे डिपार्टमेंट का नाम क्यों घसीटा जा रहा है इस रिश्वतखोरी में? और सर, मैं पूछ रही हूँ हमारे हॉस्पिटल का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? किसी ने मुझे एक फोन तक नहीं किया है और सीधा आरोप लगा दिया कैमरा पर और दिखा दिया पूरी दुनिया को। पादरी और मीनल, ये मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। हम लोग कल के कल उस लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने, के बाद इस समीर शेख को ढूंढते हैं। विरचित की गई खबरें और अफवाहें बड़ी खामोशी से फुसफुसाते हुए आग की तरह फैलने लगी। उर्वशी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और पुलिस टीम समीर शेख की तलाश में निकल पड़ी, जिसे उर्वशी ने
अपना गुनहगार बताया था। क्या ये एक इत्तफाक था या एक पहले से बुनी हुई चाल थी कि समीर शेख उसी दिन अपने मां बाप के साथ घर लौट आया? रुको साहब, साहब रुको साहब, साहब रुको साहब, साहब रुको, मेरा बेटा मासूम है साहब, मेरा साहब मेरा कहीं नहीं जा रहा, मेरी बात सुनो साहब, सारे नाम ले लिया तो क्या हो गया साहब, साहब नाम ले लिया साहब, क्योंकि साहब कीड़ा पड़ा जा रहा है साहब, सबको मैं बताया जा रहा है साहब, मैं बताया जा रहा है साहब, साहब समीर शेख बोलेगा या ठुकेगा साहब? तू रोजी खोटा बोलते साहब, साहब झूठ बोल रही है वो, दोस्ती थी उन्हें फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो जबरदस्ती मेरा नाम ले रही है, फंसा रहे मेरे को। देवी तालाब के पीछे खंडर में तूने रेप किया, एक नाबालिग बच्ची का रेप, और अब बोल रहा है तुझे फंसाया जा रहा है? साहब मैंने उसको टच भी नहीं किया है। तो फिर वो तेरा नाम क्यों ले रही है? मेरे को नहीं मालूम साहब मेरा नाम क्यों ले रही है वो। तो भागा क्यों रे, और फोन क्यों स्विच ऑफ था तेरा? साहब मैं तो 2-3 दिन के प्रोग्राम से गया था, और वो भी कायदे से वापस घर भी आ गया, और साहब फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। अम्मी की कसम साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या हो गया उसके साथ, ये तो यहाँ पे आके आप लोगों से पता चला क्या हो गया। साहब मैंने उसको आके बहुत फोन ट्राई किया, या तो उठा नहीं रही थी या तो स्विच ऑफ आ रहा था। उर्वशी मेरी दोस्त है, मैं क्यों करूंगा उसके साथ ऐसा? उर्वशी के हिसाब से जिस आदमी ने उसकी ये दशा की थी वो आदमी अब पुलिस की हिरासत में था, यानी कि समीर शेख। दूसरी ओर उर्वशी के गर्भपात की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, और कहीं और पास ही में एक नया पिटारा खुल रहा था। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ठीक है ना, देखो मिल जाएगा, तू टेंशन क्यों लो, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है? एक जुर्म के इर्द गिर्द कई सारी बातें कुछ इस कदर विरचित की गई थी, कुछ इस तरह रची गई थी कि पुलिस को सच्चाई तक पहुंचने के लिए साजिश की ढेर सारी परतों को उखाड़ना पड़ा। पहला ब्रेक थ्रू ही काफी उथल पुथल के बाद मिला। आप लोग भी जरा बोलो, हमीद भाई अमित भाई, आप ही बताइए कि आपने समीर को बुरी हरकत करते देखा है क्या कभी? अमित भाई अल्लाह जाने काय को ये लड़की मेरे बेटे को घसीट रही है। देखो मैं खुद हैरान हूँ कि समीर का नाम आया है, लेकिन एक बात बोल दूँ, खेतों पर सभी ने देखा है। क्या? समीर और उर्वशी में दोस्ती तो थी, बातें तो होती थी दोनों में। बातें करना गुनाह कब से हो गया अमित भाई? शुरुआत तो बातों से ही होती है ना नसीर, तब के तब दोनों को समझा दिया होता हम सब ने तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन क्या है ना मामला पुलिस के हाथों में चला गया है, सच्चाई जो है वो तो सामने निकल के आएगी। मैं पुलिस के मामलों में कुछ नहीं कर सकता। देखो कानून के दायरे में रहकर मैं जो कुछ कर सकूंगा समीर के लिए करूंगा, लेकिन जिस तरह मैंने साहब लोगों को जुबान दे के रखी है आप लोगों को भी उसी तरह जुबान देनी होगी। हमारी तरफ से हम होश से काम लेंगे, जोर से नहीं। क्या है ना मामला सिर्फ लड़की का नहीं है, बिरादरियों का भी है। हम अबॉर्शन करने जा रहे हैं, ऑपरेशन के बाद हम फीटस टिश्यू प्रिजर्व करेंगे डीएनए टेस्टिंग के लिए। ओके डॉक्टर, बट ऑपरेशन होने तक मैं यही वेट करूंगी। साहब ये सब क्या हो रहा है साहब?
साहब आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। सच अब कहने की जरूरत नहीं है, सच अब साबित होगा लेबोरेटरी में। हम लोग तुझे ब्लड टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, डीएनए टेस्ट जो उस गर्भ के साथ मैच किया जाएगा। नहीं नहीं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तुझे पूछ कौन रहा है? तुझे बता रहे हम लोग तुझे ब्लड टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, घेऊन या रेला? नहीं नहीं सर, सर हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी सर, और कुछ नहीं था। चुप। बच्ची का नाजायज फायदा उठाया तूने। ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, कुछ भी एक तरफा नहीं था। हमारी दोस्ती थी सर, मैं और उर्वशी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा। अगर तूने उर्वशी का रेप नहीं किया है तो उर्वशी ने तेरा ही नाम क्यों लिया? मुझे सच में ही नहीं पता सर। सच क्या है बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो चुपचाप ब्लड टेस्ट के लिए चला जा। और अगर वाकई में तूने कुछ किया नहीं है तो डरता क्यों है? जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगे सारा सच सामने आ ही जाएगा। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? बिल्कुल, एक घंटे में आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। कल दोपहर के बाद तुम उर्वशी को घर ले जा सकती हो। वो ठीक तो है ना? ठीक है, गर्भपात ठीक से हो गया है। पद्मा, सुहास भाऊ, बहुत मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजरी है तुम्हारी बेटी। आराम और दवा से उसका शरीर तो वापस नॉर्मल हो जाएगा, पर उसके मन पर जो घाव पड़े हैं उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए हमारे काउंसलर के पास उसे लाते रहना। आई, स्कूल शुरू होगा तो तू वापस मेरे साथ चलेगी ना? मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगा, कभी तुझसे आगे नहीं भागूंगा। सर, फॉरेंसिक लैब से डीएनए टेस्ट की एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। हाँ पता है मुझे, उनके पास काफी बैकलॉग है। मैंने लैब से रिक्वेस्ट की है जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रोसेस करने की। और सर, समीर शेख को हमने एफआईआर में प्राइम सस्पेक्ट बनाया है, उसके बाद उसका ऑन कैमरा स्टेटमेंट लेंगे, फिर डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही चार्जशीट फाइल करेंगे। हाँ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही चार्जशीट फाइल करना। ऑलरेडी हम एक झूठ का शिकार बन चुके हैं, अब और एक अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, वो न्यूज लीक का क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। सर समझ में नहीं आ रहा है कौन ये गेम खेल रहा है। देखो जगताप, फिर से ऐसी न्यूज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये हाईली सेंसिटिव मामला है। लेकिन सब कुछ तो बोल चुकी है आपको। हाँ बोल चुकी है, लेकिन उर्वशी को हमें वो जगह दिखानी होगी जहाँ पे समीर ने इसके साथ रेप किया, उस जगह को हमें कैमरे में शूट करना। सुहास, उर्वशी को घर आए 3 दिन हो गए हैं, अगर ये हमारे साथ जाने की हालत में नहीं है तो हम 2 दिन और रुक सकते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद इसे हमारे साथ चलना होगा, और आप दोनों को या दोनों में से किसी एक को हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ पर?
यही बुलाया था तुम्हें? हाँ मेरी कसम। तेरी कसम मम्मी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए समीर को अभी हम छोड़ नहीं सकते। हाँ अगर आप चाहें तो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन समीर मुख्य आरोपी है, खुद उर्वशी ने उसका नाम लिया। नाम लिया तो क्या, मेरे बच्चे ने कसम खाई है, वो भी मेरे सर की, कि उसने कुछ नहीं किया है। देखिए उर्वशी ने खुद उसका नाम लिया, हम कैसे मान ले कि समीर ने कांड नहीं किया। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी साहब। डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट आने दीजिए, हम चार्जशीट उसके बाद ही फाइल करेंगे। और आप खुद नहीं जानते कि रिपोर्ट कब आएगी, क्या हमारा समीर तब तक ऐसे ही जेल में बंद रहेगा? फिलहाल मैं उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप लोग चाहें तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुभाष भाऊ, अरे सुभाष भाऊ, काय झाले रे ओ? अरे काय को मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रहे तुम? अगर तुमने मेरी बेटी की हालत देखी होती तो ये पूछने की हिम्मत नहीं करते तुम। मेरे बेटे समीर ने आपकी बेटी उर्वशी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है तो सोचो, सच में कुछ गलत करता तो क्या करता, मेरी बेटी को बेच भी डालता वो साला। काय के पास? हां तुम्हारी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसका दुख है हमको भी। हां मेरे समीर को पकड़ा नहीं बना सकते तुम लोग, कोई भी मजबूरी हो। बस क्या हो रहा है? हां अमित भाई तुम ही सांगा का काय तरी अन्ना। हां मेरा बेटा जेल में सड़ रहा है और ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। तुमको मैंने बोला था ना कानून को अपना काम करने दो। कानून अपना काम कर रहा है पर मेरा बेटा तो जेल में सड़ रहा है। अमित भाई बेटा जेल में सड़ रहा है ना, मेरा बस चलता ना तो नरक में सड़ता। मुंह से बोल के बात, मुंह से बोल के बात, मुंह से बोल के बात। बस चुप करो दोनों मेरे वहां। वो भाई काम के टाइम में ऐसा झगड़े नहीं चाहिए मेरे को। सुभाष पद्मा जाओ काम पर। कहा है तमाशा लाओ लेगा? हां चला काम आला। अमित भाई घर जाओ, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट में वक्त लगने वाला था। भाई आज स्कूल में बहुत मजा आया। उर्वशी भी धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने लगी। कब आएगी वो? पर अभी पूरी तरह घाव भरने में वक्त लगने वाला था। वो सिर्फ 15 साल की थी, कुमार अवस्था में अपने कोमल कदम रखे ही थे और इस राह पर उसे काफी दर्दनाक कांटों पर चलना पड़ा था। दूसरी ओर कुमार अवस्था से हाल ही में बाहर निकला नौजवान समीर शेख पुलिस के लॉकअप में था और बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि जिस जुर्म का आरोप उस पर लगाया गया है वो उसने किया ही नहीं है। इस केस को अंजाम देने के इंतजार में अब पुलिस दूसरे केसेस में व्यस्त हो गई, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आने के पहले ही इस केस में एक चौंका देने वाला मोड़ आ गया। देखिए पद्मा जी आप समझी नहीं, हम पुलिस वालों का काम होता है आरोपियों पे चार्ज लगाना, सजा दिलाना तो कोर्ट का काम होता है। वैसे बात क्या है? नहीं मैडम, वो जानना था वो समीर शेख को क्या सजा होगी। पद्मा जी हम कोर्ट में चार्जशीट तभी फाइल करेंगे जब डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक वो यही लॉकअप में रहेगा। क्या बोली? बोली कोर्ट तय करेगी क्या सजा मिलेगी। वो अभी भी जेल में ही है? ओए, वो डीए रिपोर्ट क्या आएगा तब तक वहीं रहेगा। जी सर, 2 हफ्तों में 3 बार। सर पद्मा पहले मेरे पास आई थी और उसके बाद मेरे पास। समझ नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो समीर को सजा दिलाना चाहती है या फिर उसे सजा से बचाना चाहती है। सर ये पद्मा काफी टेंशन में भी लग रही थी। बड़ा टेढ़ा केस लगता है ये, इसकी शुरुआत एक झूठे इल्जाम से हुई थी। बट सर इस केस के ग्राउंड्स में कुछ भी टेढ़ा नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर नंदिता ने सर्टिफाई किया है कि बच्ची का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, 6 हफ्ते का गर्भ था उसके पेट में। और सर समीर इतने दिनों में एक बार भी नहीं टूटा, बार बार एक ही बात कह रहा है कि वो इनोसेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एक ही तीर से दोबारा निशाना बनाया जा रहा है? पहली बार बंटी शिंदे का नाम इस्तेमाल हुआ था जो काल्पनिक था, और दूसरी बार समीर शेख,
जिसका जुर्म शायद काल्पनिक है। ये खेल क्या खेला जा रहा है? हेलो, एडवोकेट मिलिंद फाल्के बोल दो जिला कोर्ट से। बोला फाल्के साहब। साहब एक जरूरी बात करनी थी आपके एक केस के सिलसिले में। बोलिए। मिलकर बात हो सकती है? हाँ, पुलिस स्टेशन आ जाइए। वैसे कौन से केस के सिलसिले में बात करनी थी? उर्वशी करात के केस के बारे में। ठीक है। ये क्या था नवीन? साहब तुम्ही थोड़ा संयम ठेवा। खड्ड्यात गेला संयम? हा, तमाशा लावलाय एकदे। एक बच्ची के साथ संगीन जुर्म हुआ है, उसके इर्द गिर्द पता नहीं और कितने जुर्म हुए हैं, हो रहे या होने वाले हैं। अरे सर, ये लोग गरीब है इसलिए तो इतनी माथाफोड़ी हुई ना। लेकिन अब ये लोग सच बोल रहे हैं। ये एफिडेविट कोर्ट के सामने बनाया गया है, उसमें सब कुछ सच लिखा हुआ है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ए टू जेड सब कुछ सच है। अब बोलते कि समीर शेख ने कुछ नहीं किया। फिर एक झूठ। पाथर एक काम कर, सुहास और पद्मा को उठा कर ला अभी के अभी। सर 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 प्लीज, इस एफिडेविट में जो भी हुआ सब कुछ सच लिखा हुआ है, हर एक शब्द सच। इस केस में झूठ को इतनी बार सच बताकर बोला गया है कि अब यकीन नहीं होता कि सच वाकई में सच है या झूठ। यहां सच्चाई के साथ क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेला जा रहा है, और फाइनल क्या है और कहां है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट आया था, पर क्या यह आखिरी था? इस केस की सच्चाई के बाहर आने के डर से उर्वशी के माता पिता ने एक एफिडेविट बनवाया था। उनके पहले के झूठ उनके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद साबित नहीं हुए थे। आखिरकार उन्होंने पूरा का पूरा सच कानून के सामने रखने की हिम्मत की। पहली बार तुमने पुलिस को मनगढ़ंत बंटी शिंदे का नाम बताया, उसके बाद तुमने कहा कि यह सब समीर शेख ने किया हुआ है जो अभी कस्टडी में है, और अब तुम कह रहे हो कि समीर भी बेगुनाह। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सुहास, अगर पुलिस को यह सब पता चलता है तो तुम पर तगड़े चार्जेस ठोक देंगे, वो पता है। पुलिस कह रही है कि वो डीएनए, वो उससे पता चलेगा 100% कि बच्चे का बाप कौन है। वो रिपोर्ट में आएगा, वो रिपोर्ट बताएगा। लेकिन तुम किस किस्म के बाप हो? तुम्हारी लड़की के साथ इतना कुछ गलत हुआ और तुम होके झूठ पे झूठ बके जा रहे। इस केस की शुरुआत सिविल हॉस्पिटल से हुई, जहां तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है। फिर तुमने एक फर्जी नाम बुलवाया, जिसके चलते हमने 3 लोगों को उठाया और त्यांचा बैंड वाजवला। फिर तुमने एक असली आदमी का नाम बताया, हम लोगों ने उसे भी उठाया और त्यांचा डबल बैंड वाजवला। अब तुम कह रहे हो कि तुमने एक मासूम आदमी को फंसाया। 2 बार झूठ बोलने के बाद अब तुम लोगों को सच बोलना है, बराबर? तुम्हारा ये एफिडेविट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा विश्वास ही नहीं है तुम पर। सिर्फ इतना बता दे, समीर शेख को क्यों फंसाया? साहब, इस बार हम लोग सच बोल रहे हैं साहब। पिछली 2 बार झूठ बोलने के लिए हमने बच्ची और उसकी हालत का इस्तेमाल किया साहब, लेकिन हम डर गए थे साहब। पहला झूठ बोलने के बाद हमें कहा गया कि झूठ पकड़ा जाएगा तो सजा भी हो सकती है। तुम दोनों ने एक बार भी सोचा? फर्जी नाम देने के चक्कर में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। नहीं ना ताई, मुझे लगा वो ढूंढते रहेंगे। बंटी शिंदे नाम का कोई है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? हाँ। ना बंटी शिंदे है, और एक नहीं 3-3 है। नहीं, पर हमने वो ऐसे मनगढ़ंत बोल दिया था हवा में से। नाम जब तक एक आदमी और औरत से जुड़ते नहीं, वो हवा में रहते हैं ना। देखो तुम दोनों, मैं तुम्हें इस झमेले से बाहर निकाल सकती हूँ। माजा एक काम करा, मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुम लोगों ने झूठ बोला, तुम डरे हुए थे इसलिए। फिर तुम कोई बहाना बना देना, वो मान जाएंगे। फिर वो असली बंदे का नाम पूछेंगे, तब तुम समीर शेख का नाम बता देना। समीर शेख मंजे, वो अपने खेतों वाला लड़का, नसीर वाजिदा का पुर्गा। हाँ, उर्वशी का दोस्त है वो, दोस्ती है उनकी, मिलते हैं वो दोनों। क्या? शक्यस नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ ना वो करो। समीर शेख का नाम बता दो, माझा और विश्वास ठेवा, बाकी मैं संभाल लूंगी।
वैसे ही हम टूट गए थे सर। बच्ची की हालत और इज्जत उछलने का डर। अनिता ताई बोली वो हमें पैसा देगी। अनिता कांबळे वो सोशल वर्कर। 7 लाख दिलवाऊंगी पक्का, पूरे 7 लाख। सात लाख मतलब खूप होतात ना? हो, वैसे भी उर्वशी की बात गांव में जल्दी फैली जाएगी। गांव में रह तो नहीं पाएंगे, इस पैसे से हम कहीं और जाकर रहेंगे। उर्वशी का मन भी बदल जाएगा और वो सब कुछ भूल भी जाएगी, है ना? हम तो पहले ही तबाह हो चुके थे सर, इसीलिए हमारी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत की, हम मुंह भी नहीं खोल सकते थे। पेट का सवाल था सर, पैसे मिल रहे थे, लेकर नई जिंदगी जीना चाहते थे सर। पहले झूठ बोला उसमें भी फंस गए, दूसरी बार पैसे मिलेंगे इस लालच से जी रहे थे उसमें भी फंस गए। आपने हमें पैसा नहीं दिया अभी तक। अरे बोला ना, जब मेरे पास आ जाएंगे तब दे दूंगी तुम्हारे पैसे। बार बार फोन करके क्यों पूछता है? आपने बोला था समीर गिरफ्तार होते ही हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा, और आपने एक पैसा नहीं दिया और हमारा फोन भी नहीं उठाते आप। हम बहुत तकलीफ में है। हे भगत सुहास, दुनिया में सबको तकलीफ है, और तुम्हारा दुखड़ा सुनने की ना इच्छा है ना टाइम। हे भगत भाई, तुम्हारे कहने पर उर्वशी ने समीर का नाम लिया था और हमें 7 लाख रुपए देने का भी बोला था आपने, इसलिए कि वो जांच रिपोर्ट आएगी उससे पहले हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, एक बार रिपोर्ट आ गई तो फिर सबको पता चलेगा कि समीर बाप नहीं है, फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारा वही होगा जो तुम्हारे नसीब में और तुम्हारी औकात में। आइंदा मुझे फोन मत करना, आणि तुला पैसे हवेत ना, जा खुद मांग लो। धोखा किया हमारे साथ अनिता कांबळे ने, एक तो 7 लाख देने से मुकर गई और दूसरा क्या है? दूसरा सब उसने हमसे पैसे लिए थे। तुमसे किस लिए? देखो, ये बंटी शिंदे का मामला निपट सकता है, लेकिन खतरा किसी और से। कौन था ये? ये पुलिस वाले, और कौन, पीछे ही पड़े। बंटी शिंदे का फर्जी नाम लेने पर तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं दीवारी, और ये हॉस्पिटल वाले अलग से एडवांस मांग रहे हैं, नहीं तो अबॉर्शन नहीं हो सकता। देखो तुम चिंता मत करो, ये हॉस्पिटल और पुलिस का मामला निपटाने में कम से कम 50,000 कहीं नहीं गए। 50,000? इतने सोचने का इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर पैसे नहीं दिए और गर्भपात नहीं हुआ तो देखो गांव में क्या क्या हो सकता, मतलब तुम्हारा नाम कितना खराब होगा। नहीं नहीं बनता, तुम्हारे कहने पे उर्वशी ने समीर का नाम लिया है ना, आप ऐसा करो, आप 7 लाख मुझे दे दो। हाँ। और हम उसमें से आपको 50,000 रुपए दे देंगे। हाँ। ऐसा नहीं होता सुहास, और देखो तुम्हारे 7 लाख आ जाएंगे, मुझे मेरे 50,000 अभी चाहिए, आज। जैसे तैसे करके 50,000 रुपए इकट्ठा करके अनिता ताई को दे दिए गुपचुप। अब इतने दिन हो गए सर, उसकी तरफ से एक पैसा भी नहीं आया। अनिता कांबळे सोशल वर्क के नाम पर एंटी सोशल काम कर रही है, गरीबों को लूटने का। वो न्यूज रिपोर्ट वाली आग भी इस अनिता ने ही लगाई थी ना? मुझे नहीं मालूम साहब, पर साहब इन सब में बदनामी सिर्फ हमारी हुई ना साहब। सिर्फ तुम्हारी बदनामी हुई? फिर वो 3 लोग उनका क्या, जिन पर हमने रेप के चार्जेस लगाए थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका नाम बंटी शिंदे था। समीर शेख अभी भी जेल में सड़ रहा है, उसकी बदनामी नहीं हुई? तुम झूठे लोग हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2 बार झूठ बोल चुके हो, क्या गारंटी कि इस बार तुम लोग सच बोल रहे हो? इस बार हम सच बोल रहे हैं। पहली बार जब मैंने बेटी को पूछा था ना, तो उसने सच बता दिया था, वो सुन के हमारे होश उड़ गए थे साहब। सर सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं था साहब, हमें जान की धमकी दी गई थी साहब। सारा कसूर हमारा है, बेटी ने कुछ नहीं किया,
बेटी ने तो पहले ही सच बोल दिया था साहब। बता बेटा, नाम बता, कौन था वो? बोल। अमित चाचा। उर्वशी कुछ बोली? किसने किया? नाम बोल उसका जो मेरे हाथों कटने वाला है। उर्वशी का दोष नहीं है, उस पे जबरदस्ती हुई है, बलात्कार हुआ है। नाम बोल उसका, बोल। हामिद मिर्जा। अरे सुहास, कहाँ चले? सुहास, सुहास। अमित भाव ने हमारी बेटी के सुहास भाव, जरा बाहर एक हमिद भाई बात करना चाहते हैं आपसे। जो हुआ सो हुआ, एक बात कान खोल के सुन ले सुहास, तू, तेरी बेटी, तेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा अगर सबको पता चला कि तेरी बेटी पेट से है। और हाँ, ये बदला बदला लेने का तो भूल ही जा। अगर तुझे गलत फहमी है कि पुलिस तेरे लिए कुछ कर सकेगी तो वो भी भूल जा। मेरी पहुंच कहाँ तक है, मैं क्या करता हूँ, क्या किया है, तुझे सब पता है। अगर मेरा नाम गलती से भी तूने या तेरी घरवाली ने या तेरी बेटी ने किसी के सामने भी लिया तो तुम चारों की लाशें तक नहीं मिलेंगी। और अगर मुँह नहीं खोला, टाल दी बात, तो इज्जत तो बरकरार रहेगी, ऊपर से काम भी नहीं जाएगा। पुलिस पूछेगी कौन किया, बेटी को कोई भी भलता नाम बोल दे, राजू वाजू कुछ भी, क्या समझा? ये देख, कोई ऐसा नाम बोल देना जो गांव में है ही नहीं। क्या पुलिस ढूंढते फिरेगी, आदमी मिलेगा नहीं, केस क्लोज हो जाएगा, सब खुश। जा जा, अब जा, ठंडे दिमाग से बोल दीजिए झूठ, बहुत बड़ा कांड बन जाएगा। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। बदनामी और बर्बादी की दोधारी तलवार हमारे गले पर थी साहब, तो जबान से सिर्फ झूठ और झूठ निकल रहे थे। और हमने हमारी बच्ची को झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया साहब। अमित चाचा का नाम नहीं लेना, मगर हम इनका नाम नहीं ले सकते, कहीं के नहीं रहेंगे हम। बेटा उर्वशी, गांव में सब तू तू करेंगे, और ऊपर से जान का खतरा है वहां। यही पूरा सच है साहब, यही सच है। मैं पहले ही हमारी बेटी ने बोल दिया था, पूरा सच बोल दिया था, लेकिन हमने ही ये खेल खेला, पहले बदनामी के डर से और फिर पैसे की आड़ में। हमारा भाई थे साहब, अभी जो खेला तो चुकी से खेला, पर हामिद बहु बहुत बड़े आदमी है, पहुंच उनके बहुत ऊपर तक है, हम गरीब उनके सामने कैसे लड़ सकते थे साहब? तुम लोगों ने सारी चीजों के आड़ में इतना झूठ बोला है कि अब सच में सच है ये मानना ही मुश्किल हो रहा है। पता चला अब हमीद का नाम ले रहे हो। लेकिन जगताप साहब, इन्होंने अब सब कुछ स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया है, एफिडेविट किया है। इन्होंने अपनी बच्ची से ऑन कैमरा मजिस्ट्रेट के सामने भी झूठ बुलवाया। क्या एफिडेविट? सबसे पहले सारे सबूतों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद किसी पे चार्ज लगाएंगे। सर, इस केस में काफी सच्चाइयों को काफी विरचित किया गया है, ऐसा सजाया गया है कि पता ही न चल पाए क्या सच है और क्या झूठ। पात्रे, तुम जाकर हमीद से क्वेश्चनिंग करो, और मीनल, तुम उस अनीता को ट्रैक करो सर, और मैं खुद जाकर उर्वशी से बात करूं। सच पर से पर्दा उठा था या फिर एक और नकाब चढ़ाया गया था, इस बार बहुत कुछ सामने आने वाला था, छलनी से बहुत कुछ छटने वाला था।
अनीता कमरे, वो तो एक महीने से यहाँ दिखी ही नहीं। और कोई है जो इसके बारे में जानकारी दे पाए? ती शिल्पा है ना, वो अनीता कामले के साथ काम करती है, हमेशा उसी के साथ रहती है। पता नहीं साहब क्या माजरा है, आज ना हमिद बाबू खेत पर आए ना असलम। असलम के घर पे भी ताला लगा हुआ है, कुछ पता है कहाँ गए होंगे? हमिद के कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? माहित नहीं साहब। मैं अब अनीता कामले के साथ काम नहीं करती। क्यों? अनीता कामले की हरकतों के बारे में बाद में पता चला, वो पारसपुर से है और वहाँ भी कई लोगों को ठग चुकी है। जैसे ही पता चला मैंने उसके साथ काम छोड़ दिया। और जब वो यहाँ उर्वशी केस में उसके माँ बाप के साथ फ्रॉड कर रही थी, देखो कितना कमीशन मिला। कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि तनख्वाह भी नहीं मिली। वो क्या कर रही थी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा था कि जितनी सीधी वो बन रही है इतनी है नहीं। तो अब तो मेरी बात को कान खुल के ध्यान से सुनो। पहला, तो अपना फोन कभी ऑफ नहीं करेगी। दूसरा, बाकुरली छोड़ के तो कहीं नहीं जाएगी। तीसरा, अनीता कामले की कहीं भी बू आएगी तो ताबड़तोब तुम मेरे को फोन मारेगी। हो मैडम। अब की बार सब सच बोल दे बेटा, सीधे साफ से बोल। हमने तो तुझसे कितने झूठ बुलवाए। उर्वशी बेटा, इसके पहले दो बार तुमने मुझसे झूठ बोला था, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जानता हूं मैं। अब बिना डरे और बिना झिझक के मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया था। हमिद चाचा। क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। अरे समीर। हामिद भाई, तेरा फोन देना, मेरा फोन लोचा कर रहा है। ये लो। ये जितना बात करूंगा ना मैं बैलेंस करवा दूंगा। जा 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 तू जा। समीर, मैं दोपहर में आती हूँ खेत पर, सुबह बत कहा मेरे। अरे नहीं अभी आ, कंडर पे जरूरी बात करनी है तेरे से। अभी नहीं रे। अरे जल्दी नहीं होती तो नहीं बोला था ना, आ जा। अच्छा चल ठीक है, जल्दी से बर्तन माँज कर आती हूँ मैं। समीर से मिलने इस खंडर में भी आती हो? हमिद चाचा, वो फोन है ना, समीर के फोन से मैंने किया था उर्वशी। देखो उर्वशी, तेरे और समीर की प्रेम कहानी जो है ना, वो अगर तेरे घर वालों को, उसके घर वालों को या गांव में किसी को पता चलती है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पर चाचा, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। ये लड़का लड़की में जो दोस्ती होती है ना, ले डेंजर होती है भाई। क्या क्या नहीं होता उस दोस्ती के आड़ में। हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है, मेरा यकीन मानिए आप। मेरा तो यकीन नहीं हो रहा है, जाके बोल दूं मैं तेरे आई बाबा को? नहीं चाचा। ठीक है, नहीं बोलूंगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है चाचा। सिर्फ ठीक है, ऐसे नहीं चलता उर्वशी। ये देखिए देखिए,
तेरा और समीर का लव है, मैं तेरे माँ बाप को नहीं बोलूँगा, है ना? लेकिन इसकी एक कीमत होती है। क्या? जो तू मुझे देगी। क्या क्या कीमत? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। उस दिन के बाद हर दूसरे दिन बुलाते, धमकी देते, डराते कि अगर नहीं आएगी तो बस सबको सब कुछ बता दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। वो तो अच्छा है कि इस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमीद और उसका वो असलम सुहास से मिले, उनके बीच बात हुई जैसा कि सुहास ने बताया था। लगता है इस बार फैमिली सच बोल रही है। सर मैंने रेड अलर्ट जारी करवा दिया है अनीता कामले, हमीद मिर्जा और इस असलम के लिए। सर इस हमीद और अनीता की सांठगांठ लगती है। पात्रे ये तीनों जहां कहीं भी है खोद कर निकालो इन्हें। ढूंढते रहो उन तीनों को और मिलते ही तोड़ना, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने उनका ऑन कैमरा स्टेटमेंट लेते। और हाँ, ये हमीद मिलते ही उसका ब्लड सैंपल ले लो डीएनए टेस्ट के लिए, और डीएनए रिपोर्ट आते ही चार्जशीट फाइल करो। और सर समीर शेख के बेल एप्लीकेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस कंडीशन पे कि वो हमारे कॉन्टेक्ट में रहेगा। नहीं अच्छा किया तुमने, वैसे समीर मुझे इनोसेंट लगता है, लेकिन इस बार नो चांसेस। संभल संभल कर कदम रखना जगताप, अब केस हमारे हाथ में है। मैं आपसे पहले से ही कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया उर्वशी के साथ। ये जो बदनामी हुई है इसकी भरपाई कौन करेगा, सुहास या आप पुलिस वाले? देखिए हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है आप लोगों के साथ, हालात इतने पेचीदा थे कि उर्वशी को डर के मारे समीर का नाम लेने पर मजबूर किया गया। ये जो आपकी बाहर आया है फिर अंदर तो नहीं जाएगा? फिलहाल जमानत हुई है, रिहाई तभी हो पाएगी जब इसका डीएनए नेगेटिव निकलेगा और हमीद का मैच कर जाएगा। दो हफ्ते तक जमीन आसमान एक करने के बाद पुलिस को भनक लग गई कि हामिद मिर्जा कहां छुपा हुआ है। अरे क्या कर रहे हो? मेरी पहचान जिला अध्यक्ष तक है, हर किस्म का अध्यक्ष, समझे ना? मेरा फोन दो। अरे तुम्हारे एसपी साहब का नंबर है, अभी तुम्हारे सामने बात कर दो, फोन दो। मैं काम करता हूँ, एसपी साहब को थाने बुला लेता हूँ, वहीं पर ही तेरे और हमारे झंडे के बीच खुलकर बात होगी। चलो। मीनल मैडम, वो तुलसी रेस्टोरेंट है ना, वहां बैठी है अनीता कामले। भाग भाग के कहां जाएगी? अब तेरा खेल खत्म, ले चलो। छोड़ो मुझे, मैं सोशल वर्कर हूँ, कहां कहां तक जा सकती हूँ तुम्हें पता नहीं है? क्या नाम है इसका? नाम क्या है बताओ मुझे, तुम जानती नहीं हो मैं क्या चीज हूँ। वाह, सोशल वर्कर मैडम भी आ गई है। चलो पार्टी शुरू करते हैं, चाय नाश्ता आ रहा है, उसके पहले जो भी बोलना है फटाफट बोल दो। देखो साहब, दोबारा अगर देखो ना साहब बोला ना तूने, तो ना कभी देख सकेगा, सुन सकेगा, ना बोल सकेगा। क्या कह रहे तूने उस बच्चे के साथ? फटाफट बोल दिया, बोल। कांड हुआ है, सुहास ने एक फर्जी नाम भी दिया था पुलिस वालों को, लेकिन साले एक नहीं तीन तीन बंदे निकले एक ही नाम के। मतलब लोचा, केस दबने के बजाय स्प्रिंग की तरह उछलेगा। तभी तो आपको बुलाया ना मैडम, अब आप ही कुछ हेल्प कर सकती हैं। हेल्प की कीमत होती है अमित भाई, हसस कोणी फुकट मधे हेल्प नहीं करत। सवाल ही नहीं, बोलो हेल्प करेट। 50,000 दिए। आगे आगे फर्जी नाम तो नहीं चला, अब असली बंदे को सामने लाएंगे, मतलब इल्जाम फर्जी होगा। आपके पास ऐसा कोई जीता जागता बकरा है? हाँ है ना, वो समीर, वो सही रहेगा, उर्वशी के साथ दोस्ती है उसकी, चक्कर ही समझो। मग ज्यादातर ये सही रहेगा और लॉजिक भी बैठेगा।
तो बिठाओ लॉजिक फॉजिक और मेरे कोई झमेले से छुड़ाओ। हमीद भाई कहीं चल रहे गए? तुम्हारा नाम नहीं आने दिया, तुम्हारे पाप का बिल उस लड़के समीर पे फाड़ा, वो अंदर गया और मेरे 50,000 कहाँ है? लल्लू समझ के रखा है क्या? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ? ये बगे भाई ले उड़ने को, कबूतर की तरह मार गिराऊंगा, समझी क्या? सोशल वर्कर होगी तो अपने घर पे, इतना याद रख, समीर को तूने आगे किया है, मैंने नहीं। जो कुछ भी किया है तूने किया है, और फंसेगी तो सिर्फ तू फंसेगी। इस वक्त मेरे पास रोकड़ा नहीं है तेरे को देने को। मला फसोनर बग, अब मैं सारे गांव के सामने तुम्हें नंगा करती हूँ। एक तो मेरे 50,000 दिए नहीं, वो सुहास और पद्मा के 7,00,000 नहीं दिए, इसका मतलब है सिर्फ लेता रहेगा, देगा कुछ नहीं। तू जा, जो उगड़ना है उगड़ ले जा। इस कुत्रे ने मेरे 50,000 दिए नहीं मेहनत के, तो मजबूरन मुझे उस फटीचर सुहास से लेने पड़े, और क्या करती? ये कहकर कि हम पुलिस वालों को और अस्पताल वालों को देने हैं। सर मुझे लगता है न्यूज भी इसी ने लीक करवाई होगी मीडिया में। मीनल, सोशल वर्कर मैडम की चमड़ी उधेड़ कर ये सवाल पूछना उनसे। ए, जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दूंगी। हाँ वो न्यूज मैंने ही लीक करवाई थी। साहब ये औरत बहुत डेंजर औरत है, जो कुछ किया इसने किया और लास्ट में मेरा नाम लिया है। अमित भाव आप मेरे 7,00,000 कब दोगे? अनिता तैने एक पैसा भी नहीं दिया, वो बोल रही सीधा आपसे बात कर लो। अरे तुला पैसे आवेत ना, जा खुद मांग लो। अबे उसके बोलने से तेरे मांगने से मैं पैसे दे दूंगा क्या? पैसे नहीं मिलेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्यों बर्बाद होगा, तू तो यहाँ है काम कर रहा है ना खेत में, बीड़ी दे रहा हूँ मैं, और तेरी बेटी का भी सब ठीक हो गया है, रात गई बात गई। जा जा, जा काम पर जा। दोनों के स्टेटमेंट्स ले लेना और उसके बाद तबीयत से मैडम को 50,000 और साहब को 7,00,000 हार्ड कैश देना और इन्हीं से गिनवाना। उर्वशी कैसी है? ठीक है, कोशिश कर रही है। स्कूल? हफ्ते भर में जाएगी सर, ऐसे बोल रही है। बेटा देखो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अगले हफ्ते से स्कूल जा रही हो, स्कूल कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ोगे ना? नहीं छोड़ूंगी सर। कोई कुछ कहे ना कहे या कुछ हो जाए, दिल दुखी होता है, क्योंकि दिल की तो आदत होती है दुखी होने की, पीछे मुड़कर देखने की, बस यही आदत हमें बदलनी है। कुछ भी हो जाए हम दुखी नहीं होंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमेशा आगे देखेंगे। जी सर, हमेशा आगे। गुड। हमीद और अनिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पर केस आगे बढ़ने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि हमीद के डीएनए रिपोर्ट्स आने बाकी है। हमें माफ कर दो सर, हमने आपसे झूठ बोला। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ यही बहुत है, बस अपनी बच्ची का ख्याल रखना, इस अंधेरे से बाहर निकालने में इसकी मदद करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। आमिर मिर्जा को आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2 के तहत रेप के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। उस पर पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का सेक्शन 4 भी लागू हुआ है। अनीता कांबले को आईपीसी की धारा 387 के तहत एक्सटॉर्शन और धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए बुक किया गया है। असलम जो हामिद मिर्जा के साथ सुहास को धमकाने आया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अनीता और हामिद दोनों जुडिशियल कस्टडी में है और डीएनए की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। उर्वशी फिर से स्कूल जाने लगी है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से भविष्य की ओर देख रही है। उसके माता पिता सुहास और पद्मा अब दूसरे धनी के खेत में मजदूरी करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।